जी, तो यहाँ मौजूद है हम DHA कराची Phase 2 में, जो आगे हम जा रहे हैं गोल मंदिर। गोल मंदिर जा रहे हैं जिसका नाम अभी कंफर्म नहीं, तो वहाँ जाके कंफर्म करेंगे इंशाल्लाह। वहाँ जाके आपसे मुलाकात होती है, और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला भाई। अब्दुल्ला भाई से भी इंशाल्लाह वहाँ पे चल के मुलाकात होगी, बातचीत भी कुछ करेंगे। ठीक है, चलते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं कुबा मस्जिद, जो गोल मस्जिद के नाम से मशहूर है, और हमारे साथ अब्दुल्ला भाई भी मौजूद हैं। अब्दुल्ला भाई कुछ कहना चाहेंगे मस्जिद के हवाले से? बिल्कुल इंशाल्लाह, भी आपको मस्जिद के अंदर का जो है सब नज़ारा दिखाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और अली भाई भी आ रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक क्या पता है नहीं कि वो कहाँ हैं, तो वो आते हैं जब तक उनका हम वेट करते हैं। चले जी, ये हम अब मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं, और ये अब्दुल्ला भाई। इंट्रेंस के सिक्योरिटी के लिए है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये हम जा रहे हैं मस्जिद के अंदर की तरफ, यहाँ पे जमादारी खड़ी होने वाली है, और करीबन 5 मिनट 6 मिनट रह गए हैं मस्जिद में, टाइम आ रहा है सामने घड़ी में। और ये देखिए मस्जिद का कितना खूबसूरत एक इन्होंने एरिया बनाया हुआ है, जहाँ पे ये सफ़े भी बनी हुई हैं, यहाँ पर बची हुई हैं, और बड़ी हैं सर। और ये कितना एक खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है माशाल्लाह। और ये एक जो है हम मस्जिद के अंदर वाले हिस्से दाखिल हो गए हैं, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोला भाई क्या है? और आप ये देखेंगे कि इस मस्जिद में कोई भी पिलर, कोई भीम, कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे जो है वो रुकी हुई हो। और ये दुनिया की वाहिद जो है वो इतने बड़े गुम्बद की मस्जिद है, जिसमें कोई ना पिलर इस्तेमाल किया गया है, ना कोई बीम इस्तेमाल किया गया इसके सपोर्ट के लिए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोला भाई क्या? जमात जो है वो खड़ी हो रही है नमाज़ पढ़ने के बाद, उसके बाद हमने सुन्नत अदा करी और अली भाई का वेट किया। हमारे जो अली भाई हैं नमाज़ के बाद माशाल्लाह से यहाँ पर हाज़िर हुए हैं, नमाज के बाद आ रहे हैं। वालेकुम। अरे यार, बस रश के अंदर सारा टाइम गुजर गया। अच्छा जी, अली भाई आ गए। अली भाई ने आके नमाज पढ़ी और सुन्नत अदा करी। तो नमाज से हो चुके हैं फारे, और फाइनली जो है वो अली भाई जो है वो हमारे मिल चुके हैं, और ये जो है अब्दुल्ला भाई तो हमारे साथ ही थे। तो चले बाकी के आपको दिखाते हैं मस्जिद के। ये नमाज का एरिया है, और ये इसके बाहर का जो है वो एरिया कितना ही खूबसूरत बना हुआ है। ज़ोहर की नमाज़ अभी पढ़ के हम फारिग हुए, और ये देख रहे होंगे आप कितना जो है वो एक खूबसूरत मंजर यहाँ पे पेश हो रहा है। देख सकते हैं कि इसकी ना तो कोई इसके बीच में पिलर है, ना कोई भीम है, और माशाल्लाह ये गुंबद पूरा एक बना हुआ है। और इसकी यहाँ पे नमाज़ पढ़ने की जो कैपेसिटी है, अप टू 5,000 पीपल एट अ टाइम यहाँ पे जो है नमाज़ पढ़ सकते हैं। और ये देख रहे होंगे कि आप कोई भी प्लेयर यहाँ पर आपको मौजूद नहीं, और ये पूरा गोल है,
कोई भी प्लेयर कोई भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा इस टाइम पे। बहुत तेज़ स्पैनिंग हो रही है लेकिन हो रही है, ठीक है। कोई भी प्लेयर कोई भी नहीं। एक अंदर का सर यार, उसको हम बाहर का आपको विजिट करवाते हैं। कितनी खूबसूरत एक यहाँ पे जो है वो मंजर पेश कर रहा है माशाल्लाह। और ये प्लेग्राउंड है छोटे बच्चों के लिए, तो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। बाहर की जगह है मस्जिद की, और इस मस्जिद का नाम जैसे मशहूर जो है वो गोल मस्जिद के नाम से, लेकिन इस मस्जिद का जो नाम है वो टूबा मस्जिद है। और यहाँ पे जो एक कैंपस भी बना हुआ है DHACSS टूबा कैंपस, जो इसके बराबर में है, और उसके साथ ये मस्जिद है। मस्जिद का विज़िट आप लोगों ने किया, और आगे भी इंशाल्लाह आपसे इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके साथ लेकर आते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।